ये कौन सी मछली ना? ये रेड स्नैपर। अच्छा, क्या हिसाब है? ये 750। समुद्री है? समुद्री है। इसमें कितने कांटे होते हैं? इसमें एक कांटा होता है। अबे ये झींगा क्या हिसाब है? ये झींगा भाई 1100 रुपए किलो है। 1100 रुपए किलो जी। ये कौन सी मछली है? ये व्हाइट कुन है हमारे पास। व्हाइट कुन भी बहुत अच्छी होती है, इसके फिंगर भी बनते हैं, स्लाइस भी बनते हैं, बिरयानी भी बनती है इसकी बेहतरीन। क्या हिसाब है ये? इसके रेट भी चल रहे 650 रुपए किलो। और ये? ये मुश्का है। अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये 800 रुपए किलो है। मैं अमेजिंग कराची मार्केट की तरफ से आज मूसा कॉलोनी मछली मार्केट में आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये कराची की बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फिश मार्केट है, और फिशरीज़ के बाद सबसे ज़्यादा फिश का कारोबार इस मार्केट में होता है। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी है, और यहाँ आपको हर टाइप की फ़िश मिल जाएगी। और इसमें खासियत ये है कि अगर आप फिशरीज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वज़न में, मतलब 5-10 किलो से कम वहाँ पे आपको मछली नहीं मिलेगी। मगर यहाँ की खासियत ये है कि आप यहाँ से जितनी मछली चाहें, किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितनी चाहें आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत अच्छी मार्केट है। आप ये देखिए, बहुत वैरायटी है, बहुत सारी दुकानें हैं, और ये बहुत ज़्यादा रश रहता है। कराची के ज़्यादातर लोग यहाँ से फिश यानी मछली यहीं से ख़रीदते हैं, और यहाँ आपको झींगा, केकड़ा और इस किस्म की दूसरी अशिया भी आपको बहुत मुनासिब दामों पे मिल जाती है। ये कौन सी मछली जनाब? ये किंगफिश सुरमई। अच्छा, क्या हिसाब है? ये बैग 1100 रुपए किलो पड़ी है। 1100 रुपए किलो? क्या ये महंगी है बहुत? महंगी अभी होगी है। अच्छा, 2000 रुपए हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या खासियत होती है? ये किंगफिश है, लोग बगैर कांटा होता है, कचरा कम होता है इसके अंदर, इसमें वेस्टेज कम होता है। जैसे मुश्का ले ले, बोतल ले ले, इसमें थोड़ा वेस्ट निकलता है, इसमें वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट कम से कम होता है। अच्छा, ये कौन सी मछली है? ये गिस्सा रामू, रामू फिश है। अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये 1000 रुपये किलो पड़े। 1000 रुपये किलो। कितना वजन होगा इसका तकरीबन? होगा तकरीबन 12 किलो। ये क्या रेट है इसका? ये आपको मिलेंगे देखिए 400 रुपए किलो। कौन सी मछली है? ये कुंड है, कुंड अच्छी मछली है, फ्राई के हिसाब से, सालन के हिसाब से, एक कांटे की मछली अच्छी मछली है। और ये कौन सी है? ये बड़ा वाला कुंड है। ये क्या हिसाब है? ये 450 रुपए किलो है। ये भी अच्छी होती है, ये बड़ी है, ये छोटी है। अच्छा, मछली एक ही है, सिर्फ साइज का फर्क? हाँ, साइज का फर्क। अच्छा, ये कौन सी मछली है? बड़ा मछली है। ये भी समंदर की है? समंदर ही है, खगा भी बोलते हैं, सिंगाड़े भी बोलते हैं इसको, सालन बहुत अच्छा बनता है इसका, फिंगर भी बनता है इसका। ये पड़ेगा आपको 300 रुपए किलो। ये कौन सी मछली है? ये सारन है, सारन, इसके भी फिंगर बनते हैं बहुत अच्छे। ये भी एक कांटे की मछली होती है, फिंगर बहुत अच्छी बनती है इसकी। क्या हिसाब है? ये भी चले 400। अच्छा, इसमें कांटा एक ही हो? कांटा एक ही है, समंदरी मछली में सब में एक कांटे की मछली। और ये कौन सी है? ये मुल्ला है, ये कांटे की मछली, व्हाइट गोल्ड अच्छी मछली होती है। क्या हिसाब है? ये पड़ेंगे आप 650 रुपए किलो। 600 रुपए। और ये कौन सी है? बाकी ये डाई डांगरी है, ये भी बहुत अच्छी है, डाई मछली है, ये भी एक कांटे की व्हाइट गोश्त की मछली होती है। समुद्री है ये भी? एक कांटे की? जी जी, एक कांटे की मछली है, समुद्री है, अच्छी मछली है। ये कौन सी मछली है? ये व्हाइट कुन है हमारे पास। व्हाइट कुन भी बहुत अच्छी होती है, इसके फिंगर भी बनते हैं, स्लाइस भी बनते हैं, बिरयानी भी बनती है इसकी बेहतरीन। क्या हिसाब है ये? इसके रेट भी चल रहे 650 रुपए किलो। 200 ग्राम। और ये? ये सुरमई है, किंग फिश, किंग फिश सुरमई। ये क्या हिसाब दे रहे? ये आपको पड़ेंगे 1000 रुपए किलो। ये बहुत महंगी है? हाँ, महंगी है, सस्ती है भी, 1800 रुपए किलो था कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा जी। और ये? ये काला पापलेट, काला पापलेट रेट भी चल रहा है 600 रुपए किलो। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसका भी एक कांटा है? ये भी एक कांटे की मछली बेहतरीन है, जायका बहुत अच्छा होता है इसका। क्या हिसाब है? ये हीरा का रेट चलता है अभी 750 रुपये किलो। ये कौन सी मछली है? ये रामा सेल में नहीं है। ये क्या हिसाब है? 700। ये रेड स्नैपर,
इसका क्या रेट है? ये तकरीबन ताज़ी होगी ना तो तकरीबन 800 रुपए किलो है, और थोड़ी पुरानी होगी तो 600 रुपए रेट। 600 रुपए और ये ताज़ी ना तो ये 800 रुपए रेट। 800 रुपए किलो। अच्छा इसमें कांटे ज़्यादा है या? एक कांटा है समुंदरी मछली। समुंदरी मछली। ये कौन सी मछली जना? ये मुल्ला मछली है। मुल्ला क्या हिसाब है ये? ये इस वक्त ये 500 रुपए किलो जा रहा है। अच्छा ये समंदर की है या? समंदर की है। ये काला पापलेट है ये 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो जी। ये जलेबी पापलेट है ये 400 रुपए किलो। अच्छा ये वाइट पापलेट से अलग है जलेबी पापलेट? वाइट पापलेट से अलग है ये जलेबी पापलेट कहलाता है। वो कोने वाली ये हीरा मछली ये वाली हीरा है जी ये 450 रुपए। 450 रुपए किलो। ये कौन सी मछली ना? ये रेड स्नैपर। अच्छा क्या हिसाब है? ये 750। समुद्री है? समुद्री है। इसमें कितने कांटे होते हैं? इसमें एक कांटा होता है। और ये? ये मुश्का है। अच्छा ये क्या हिसाब है? ये 800 रुपए किलो है। ये भी समुद्री है? जी समुद्री है। और ये क्या है? ये कौन सी मछली? ब्लैक कून। ब्लैक कून है। अच्छा ब्लैक कून क्या हिसाब है? 400 रुपए किलो है। ये काला पापलेट क्या हिसाब दिया? 650 रुपए किलो। ये कौन सी मछली है? ये गिस्सर है। ये क्या हिसाब दे रहे? ये 800 रुपए किलो। और ये? ये सारम है। सारम क्या हिसाब दे रहे? 450 रुपए। 400 रुपए। ये झींगा क्या हिसाब दे रहे? 1600 रुपए किलो। अच्छा बड़ा है इस वजह से जी। और ये झींगा क्या हिसाब है जी? ये 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। ये उससे कुछ छोटा है? जी उससे छोटा है। और ये वाला? ये वाला 1300 रुपए किलो। 1300 रुपए किलो। अच्छा ये दरमियाना साइज है। ये झींगा क्या हिसाब है? 1000 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी मछली ले आए जी? ये कौन सी मछली? कुन मछली है। ये वाली कुन है जी। अच्छा क्या हिसाब है? कुन 400 रुपए किलो। और ये बताइएगा? काला पापलेट 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो जी। ये झींगा क्या हिसाब है? ये झींगा वजन 1100 रुपए किलो है। 1100 रुपए किलो जी। और ये बताइएगा? ये वाले 450। 450 रुपए। और ये बताइएगा ना? ये वाले 600। 600 रुपए किलो है। ये केकड़ा क्या हिसाब दे रहे? केकड़ा 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। ये स्कूल है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये झींगा क्या हिसाब दे रहे? झींगा मुख्तलिफ साइज हमारे पास। सबसे छोटा साइज ये है, फिर इसके बाद ये साइज। ये क्या हिसाब है सबसे छोटा? 320 रुपए किलो। 400 वाला 320 रुपए। 320 रुपए किलो। और इसके बाद क्या है? ये 400 रुपए किलो। हर क्वालिटी का झींगा ही होगा हमारे पास। ये 400 रुपए किलो है। इसके बाद ये आ जाए, ये 550 रुपए किलो पड़ेगा ये। अच्छा ये अच्छा ये करंट रेट है आज का। अच्छा करंट। अच्छा फिर जब सर्दी आएगी तो अलग रेट हो जाएगा। अच्छा ये आज का रेट है 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो आज का। इधर आ जाए, ये 650 रुपए। और ये वाला 700 रुपए किलो। ये 650 रुपए। ये 700 रुपए किलो। इसके दो साइज है, ये साइज होता है ये 1000 रुपए किलो है। ये वाला ये 700 रुपए। पहले मैं ये दिखा दूं, ये 700 रुपए। अच्छा और ये 1000 रुपए किलो। ये 1000 रुपए किलो। अच्छा ये बड़ा साइज है। और इससे बड़ा जो ये 1500 रुपए किलो। अच्छा ये मतलब सबसे बड़ा साइज है। जी सबसे बड़ा साइज।